पिछले 2 सालों से हम सुन रहे हैं कि भाई टेस्ला इंडिया के अंदर आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है वो किसी को नहीं पता है। इंडियन सड़कों पर टेस्ला की गाड़ियों को टेस्ट होते हुए भी देख लिया है बहुत सारे लोगों ने। शोरूम तक बनने शुरू हो चुके हैं टेस्ला के, लेकिन किसी को नहीं पता है कि भाई टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि गाड़ियां ऑलरेडी उनके पास पड़ी हुई है, एकदम रेडी है, लॉन्च वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गाड़ियां क्यों नहीं ला रहे हैं मार्केट के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है अभी। अब इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई टेस्ला इंडिया में आए, या फिर इलॉन मस्क ने ही सस्ते नशे करना शुरू कर दिया है? तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसी के बारे में, और आपको दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वाले ट्वीट से, जिसमें एक यूजर इलॉन मस्क को पूछ रहा है कि भाई कब इंडिया में वो अपनी गाड़ियां इंटर करवाएंगे या फिर लॉन्च करवाएंगे, क्योंकि उनको उनकी गाड़ियां खरीदनी है। तो उसके रिप्लाई में इलॉन चाचा आंसर देते हैं, हम तो इंडिया में गाड़ी लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस खड़े कर रही है, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह बहुत ज़्यादा लगा कर रखी हुई है। साथ में इलॉन चाचा का दूसरा ट्वीट भी आता है, जिसमें वो चैलेंजेस की ही बात कर रहे हैं। उस ट्वीट के रिप्लाई में हमारी इंडियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन्होंने भी रिप्लाई दिया है, जिसमें साफ साफ कहा है इलॉन चाचा को कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है हमको बताइए, हम उसको जल्दी ही रिसॉल्व करेंगे। और उसी ट्वीट में एक छोटी सी लाइन लिखी है कि भाई आपको इंपोर्ट ड्यूटीज़ के अलावा कौन सी प्रॉब्लम है वही बताना, इंपोर्ट ड्यूटीज़ वाली प्रॉब्लम मत बताना। तो इलॉन चाचा उस ट्वीट का रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ही इंपोर्ट ड्यूटीज़ है। तो ये हो गया ट्विटर वाला खेल, जिस पर इलॉन चाचा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने रिप्लाई वगैरह देते रहते हैं अपने यूज़र्स को। अब बात करते हैं इलॉन चाचा के पॉइंट ऑफ व्यू की। देखिए इलॉन मस्क के पास पे बहुत बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। इलॉन मस्क जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर आदमी भी होता है कभी कभी। अब हर अमीर आदमी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, और उसी सोच के कारण वो इंडिया में भी अपनी गाड़ियाँ इंटर करवाना चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है वो ऑटोमोबाइल के अंदर 4th या 5th लार्जेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इतना बड़ा मार्केट कोई भी अपने हाथों से जाने नहीं देगा। अब इलॉन चाचा इंडिया के अंदर इंटर करना चाहते हैं, और उनका कहना यूँ है कि भाई वो सबसे पहले अपनी गाड़ियों को चाइना से इम्पोर्ट करेंगे और इंडिया के अंदर बेचेंगे। अगर उनको यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती है, तो फिर वो इंडिया के अंदर प्लांट लगाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पर शुरू कर देंगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा रोड़ा अटका हुआ है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर। अब इंडिया के अंदर 2 टाइप की इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती है, जिसमें एक तो होती है 30 लाख के नीचे वाली, जिसमें आपको 60% तक इम्पोर्ट ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी अगर आप 30 लाख से कम रेंज की गाड़ी इंडिया में इम्पोर्ट करते हो तो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अगर 30 लाख से ऊपर सेगमेंट की है, मतलब कि 40-50 लाख के आसपास है, तो आपकी गाड़ी पर आपको करीबन 100% तक इंपोर्ट ड्यूटीज देनी पड़ेगी। साथ ही में आपको रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस का खर्चा अलग देना पड़ेगा। टेस्ला की एक ही कार है जो कि 30 लाख से कम बजट के अंदर आती है, और वो है मॉडल 3, और उसका भी बेस वेरिएंट है वो आता है 30 लाख के नीचे। बाकी उस गाड़ी का अगर टॉप वेरिएंट देखा जाए तो वो भी 30 लाख के ऊपर चला जाता है। अब टेस्ला की मॉडल 3 की अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो ये गाड़ी करीबन 50 से 60 लाख रुपए तक पड़ेगी इंडिया के अंदर, जबकि इस गाड़ी की प्राइस 30 लाख के आसपास बैठती है विदेशों के अंदर। साथ ही में अगर दूसरे मॉडल्स की बात करी जाए तो जो 40 से 45 लाख रुपए की गाड़ियां है वो करीबन इंडिया के अंदर 80 से 90 लाख रुपए के बीच में आकर बैठ जाएगी। तो इतना बड़ा जो प्राइस हाइक हो रहा है वो इलॉन चाचा को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनकी इतनी महंगी है, और अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाने के बाद में वो और महंगी हो जाएगी तो इंडिया के अंदर उन गाड़ियों को खरीदेगा कौन? तो इलॉन चाचा का कहना है कि भाई आप इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम कर दो और हम अपनी गाड़ियों को इंडिया में जल्दी ले आएंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट ने उनको ये भी सलाह दी है कि भाई आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ना करो, आप यहाँ पर असेंबली करना शुरू कर दो अपनी गाड़ियों की, जिस पर खाली 40% तक ही इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती है। तो इलॉन चाचा उसमें भी राजी नहीं है। अब हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की। इंडिया जो है वो बहुत टाइम से मेक इन इंडिया कैंपेन के ऊपर काम कर रहा है, कि आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। अब इस कैंपेन के अंदर इंडिया बहुत सारे ब्रांड को अप्रोच करता है कि भाई आप बाहर से आओ और इंडिया में अपना प्लांट लगाओ, अपनी चीज़ें बनाओ, यहाँ पे बेचो और दूसरे देशों में बेचो, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ ही में आपको इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी देनी नहीं पड़ेगी, और इंडिया के लोगों को सामान भी सस्ते प्राइस पर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही में जो फैक्ट्रीज होगी वो रॉ मटेरियल भी इंडिया से ही खरीद लेगी। लेकिन अगर आप अपनी फैक्ट्री किसी दूसरे देश में लगा कर बैठे हो और अपना सामान इंडिया में बेचना चाहते हो तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटीज देनी पड़ेगी, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग सेट करी गई है, जिसमें ऑटोमोबाइल के अंदर आपको करीबन 100% तक इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी।
अगर इंडिया वाले टेस्ला के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज के अंदर छूट लगा देते हैं तो ये सीधा सीधा नुकसान मेक इन इंडिया कैंपेन पर हो जाएगा। अब अगर टेस्ला के लिए कम करना पड़ रहा है तो दूसरी कंपनियों के लिए भी कम करना पड़ेगा, और दूसरी कंपनियां भी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो उसको कम कर देगी और सीधा अपने प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू कर देगी, जिससे दूसरी कंपनियां भी इंडियन गवर्नमेंट को कम इंपोर्ट ड्यूटीज देगी, साथ ही में यहां पर रोजगार भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज कम नहीं कर रही है। नितिन गडकरी साहब जो है वो तो सीधा सीधा टेस्ला को मुंह पे बोल देते हैं, अगर इंडिया में आना चाहते हो तो फैक्ट्री लगाओ, यहां पर अपनी गाड़ियां बेचो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से गाड़ियां इंडिया में लाकर बेचोगे तो हमको वो स्वीकार नहीं है। अगर दूसरी कंपनियां इंपोर्ट ड्यूटीज दे रही है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप भी देना शुरू कर दो, क्योंकि सबके लिए रूल एक जैसा है हमारे यहाँ पर। तो ये तो हो गए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो हो गया गवर्नमेंट का और एक हो गया टेस्ला का। आई होप कि ये दोनों आपको समझ आए होंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई अगर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटीज कम नहीं करता है और टेस्ला इंडिया में नहीं आ पाता है तो हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो है उससे बहुत पीछे हो जाएंगे, हमको जो दुनिया यूज कर रही है वो इंडिया में देखने को मिलेगा ही नहीं। तो इस मामले में भी आप थोड़े बहुत गलत हो, क्योंकि इंडिया भी पीछे नहीं है इस मामले में। इंडिया में जो इसरो है हमारा, उसने भी एक बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। वो बैटरी टेक्नोलॉजी अपने रॉकेट वगैरह जो होते हैं, जो रडार वगैरह वो या फिर सैटेलाइट वगैरह में यूज करते हैं, वो सेम टेक्नोलॉजी इसरो अभी 10 कंपनियों के साथ में शेयर कर रहा है और उनको मैन्युफैक्चरिंग करना सिखा रहा है या फिर उनकी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा है, जिससे इंडिया में भी आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि हम जो इंपोर्ट करते हैं उससे करीबन 40% तक सस्ती होगी। तो फ्यूचर में हमको 40% तक सस्ती लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा इसरो खुद कर रहा है। साथ ही में टाटा भी टेस्ला से कम नहीं है। टाटा जल्द ही अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा जो कि टेस्ला को अच्छे तरह से टक्कर दे पाएंगे, और टाटा भी अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी पर अच्छे तरह से काम कर रहा है। और जो 10 कंपनी मैंने बताई जो कि इसरो के साथ में पार्टनरशिप में बैटरीज वगैरह बना रही है, उनमें टाटा भी एक है। साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट का एम भी है कि भाई वो 2030 तक करीबन 30% जो प्राइवेट व्हीकल है उनको इलेक्ट्रीफाई कर दे, साथ ही में 80% तक कमर्शियल व्हीकल को इलेक्ट्रीफाई कर दे। अब इलॉन मस्क अगर इंडिया में आना चाहता है तो भाई वो आए, फैक्ट्री लगाए, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो चाइना से अपनी गाड़ियों को इंडिया में इंपोर्ट करेगा तो वो बहुत सारे लोगों के खिलाफ भी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना में वॉर भी चल रहा है, वो तो आपने देख ही लिया होगा पिछले 2 सालों में। बहुत सारे लोग चाइना की चीज़ों को मतलब अवॉइड ही कर रहे हैं, और ये इस बार तगड़ा भी हुआ है बहुत ज़्यादा। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें चाइना पर डिपेंड करते हैं अभी भी, लेकिन वो डिपेंडेंस हम जल्दी ही कम कर देंगे। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो मर्सिडीज जो है वो अपनी EQS इलेक्ट्रिक सेडान जो है उसको अब इंडिया में असेंबल करना शुरू करेगा। मर्सिडीज जैसी बड़ी कंपनी, पुरानी कंपनी, इंडिया में अपने प्रोडक्ट को असेंबल करना शुरू करेगा, जिससे उनको 40% तक ही इंपोर्ट ड्यूटीज देनी पड़ेगी। और अगर वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देता है अपनी EQS के लिए तो उनको ये इंपोर्ट ड्यूटीज भी देनी नहीं पड़ेगी। अब अगर मर्सिडीज खुद कर सकता है ऐसा काम, इंडिया में अगर अपना प्लांट लगा सकता है, तो टेस्ला क्यों नहीं कर सकता? मैन्युफैक्चरिंग चलो छोड़ दो, इंडिया में लिथियम आयन का उनको थोड़ा बहुत शॉर्टेज लगता होगा या फिर उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम नहीं करती होगी, लेकिन वो यहाँ पर आकर असेंबल जो कर सकते हैं, असेंबली में उनको ना थोड़ी बुलाए हमने। बाकी आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा तो भाई एक बार ज़रूर लाइक वगैरह कर देना, साथ ही में दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर वगैरह कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताओ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।